नमस्कार, मैं विवेक कुमार। जैसा कि आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं चितरपुर उत्तरी पंचायत के माइल में, और यहाँ पे देख सकते हैं एक घर बारिश के कारण यहाँ पे गिर गया है, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने लगी है और काफ़ी समस्या हो गया है। क्योंकि किसी का घर जब गिर जाता है, टूट जाता है, तो रहने में लोगों को काफ़ी समस्या होती है। अभी देख सकते हैं कि सुशील जी जिनका घर है, ये देख सकते हैं सुषमा देवी जी अभी हमारे साथ है, और घर इनका जो है पूरी तरह बारिश से गिर गया है, टूट गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सारा सामान, कुछ सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ था, जो कि बारिश आने के बाद यहाँ पे घर जो गिर गया है। आप देख सकते हैं घर का हालत बहुत बुरी स्थिति में है। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसे, कब गिरा और क्या हुआ। आइए, तो क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। कब गिरा घर? 2-3 दिन पहले गिरा। तो आप लोग इसमें रहते थे पहले? हाँ, रहते थे। बहुत सामान है यहाँ, दब गया है सारा सामान। तो कितना दिन हुआ गिरा हुआ? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन? हाँ। तो इसकी, इससे कोई क्षति होती हुई आपकी? क्षति यही जो सामान है, मतलब यहाँ रहते थे, खाना बनाते थे, यहाँ पे खाना बनाते थे, दिक्कत हो रहा है रहने में। तो आप देख सकते हैं इनका घर जो है टूट गया है, जिसके कारण इसको काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे रह के ये यहाँ पे खाना पीना बनाते थे, यहाँ पे रहते थे, लेकिन बरसात के कारण, लगातार हो रही बरसात के कारण ये जो घर है माटी का, वो पूरी तरह से गिर चुका है, टूट चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो घर का हालत है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। क्या दिक्कत हुआ घर टूटने के बाद से? घर टूटने के बाद ये रहने में दिक्कत हो रहा है, सारा सामान दब गया। अभी तो देखिए वहाँ पानी का कनेक्शन है, देखिए पानी भर नहीं पा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते यही जो सरकार से कम हम लोग को जो दिक्कत है उसका मुआवजा दिया जाए।